أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس المعطر المقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات محمد ایزان محترم मातमदारा ने सैयदुश्शोहदा दरगाह पजे शरीफ के इस हॉल में इस अज़ा खाने में इस मातम कदे इस बारगाह में जहाँ सिर्फ शिया नहीं आता, सिर्फ सुन्नी नहीं आता, सिर्फ हिंदू की बड़ी जातियाँ नहीं आती, बल्कि जहाँ तक मेरी मालूमात है और जैसा मुझे लोगों ने बताया है कि शायद ही हिंदुस्तान में बसने वाली कौमों में जो बड़ी कौमें हैं उनमें से शायद ही कोई है जो इस बारगाह में आस्था के साथ ना आता, और अगर नहीं भी अंदर आता है तो कम से कम बाहर से सर झुका भी गुजरता है। वैसे ये दरवाजों पर सर झुकाने का रिवाज हमने और आपने तो बनाया नहीं है भाई, मेरा और आपका तो नहीं है ना। ये जो दरवाजे पे हिंदी का जुमला इस्तेमाल करो, ये मत्था टेकने का जो रिवाज है, काश अगर महसूस कर पाओ इसी जुमले को महसूस। ये दरवाजों पे जो मत्था टेकने का रिवाज है ये हमने और आपने तो बनाया नहीं है, ये तो बरसों से चला आ रहा है भाई। जो मुझे बरसों से सुन रहा है पूरी तवज्जो, ठीक है, ये तो बरसों से चला आ रहा है कि अगर कोई सरदार गुरुद्वारे में नहीं जा पाता गाड़ी रोक के दरवाजे पे मत्था टेक के जल्दी से चला आता है। भाई होता है कि नहीं होता है, गलत पढ़ रहा हूं? कोई हिंदू किसी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता तो दरवाजे पे मत्था टेक लेता है ना, आम जबान में तो यही कहा जाएगा। हमारा मुसलमान दरगाह में नहीं जा सकता, जल्दी में है तो क्या करता है, दरवाजा चूम के माथा टेक के सजदा रेज होके चला आता है, यही तो है ना। हैं भाई हमारे यहाँ हमने ही शुरुआत नहीं की है, हिंदुस्तान में ये शुरुआत हमने नहीं की है, उर्दू भाषी इलाकों में ये शुरुआत हमने नहीं की है, ये हमारी जिंदगी के फरहंग से हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है कि जब हम किसी बारगाह में नहीं जा पाते तो उसके दरवाजे को चूम के चले आते हैं, दरवाजे पे सर झुका के चले आते हैं। अब मैंने नहीं बनाया, खुद रसूल ने अली को दरवाजा करार दिया है। बहुत बड़ा बोला कह रहा कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। तो देखो झुकने के लिए दो चीज जरूरी है, एक इल्म जरूरी है, आंखें जरूरी है, अंधा नहीं आता इस दरवाजे पे। दुरूद पढ़े मोहम्मद कल की गुफ्तगू याद है, यहीं से शुरुआत कर रहा हूं, लफ्जों को लफ्जों से मिलाना, माने को माने से मिलाना, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। मैंने आपको इल्म की दो मिसालें देकर उसके दो हिस्से दिखाकर फिर ये बताया कि इल्म कैसे अक्ल को फीड करती है और अक्ल कैसे धीरे धीरे दो तरीके से बुलंद होती है, एक साइज में बुलंद होती है, एक मकाम में बुलंद होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना। अक्ल जब बुलंदी पाती है तो वो क्या देती है आपको, थॉट देती है, सोच। वो भी जमीन पे ही बैठा होगा जो सितारे के बारे में जाने की सोच रहा होगा,
वो भी जमीनी पे बैठा होगा। आज से 80 साल पहले जो वीडियोग्राफी की सोच रहा होगा वो भी जमीन पे ही बैठा होगा, वो कोई समंदर में नहीं बैठा था, वो मछलियों के साथ नहीं टहल रहा था, वो इंसानी बरादरी में कोई इंसान ही रहा होगा जिसने पहले टेलीकम्युनिकेशन के बारे में सोचा होगा, वो इंसानी होगा जिसने सर्जरी के बारे में प्लान किया होगा, वो इंसानी होगा जो उसने एस्ट्रोनॉट के तमाम रास्ते तय किए होंगे, वो इंसानी होगा जिसने दवा इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंसान की हिफाजत इंसान की जिंदगी सबके बारे में प्लान किए होंगे सोचा होगा, इंसानी होगा वो। उसके अंदर थॉट आई तो थॉट के बाद क्या हुई, तलब पैदा हुई, तो तलब के बाद क्या हुआ, सलामत रहे, तलब के बाद क्या आई बात, तलाश की। तो जो तलब है ना, तलब आपके मेयार का साइज बताती है, मेयार जितना बुलंद होगा तलब उतनी बुलंद होगी। कभी कभी काश मैं आपको समझा पाऊं, कभी कभी इंसान पानी पी के तलब पूरी करता है, कभी कभी पानी छोड़ के भी तलब। काश मैं तुम्हें समझा दूं, काश मुझे समझ पाओ कि मैं कहां लेके जाना चाहता हूं। देखो ना, एक प्यासा है, उसे पानी दोगे वो दौड़ के पानी पकड़ेगा पिएगा, मगर वही प्यासा रोजेदार है। कुर्बान जाऊं तुम पे मेरे जवान, बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हो, खुदा की कसम है, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से 85% हमारे जवान बैठे हुए, और इंशाल्लाह अगले 5 साल के जो अशरे होंगे उसमें 9 जवान बैठे होंगे। तुम दुनिया को बता दो, बाजू कोई भी हो अगर इमाम जामिन बंदी है तो ना मौला का गद्दार होगा ना मुल्क का गद्दार। महसूस कर पा रहे हो, एक एक लफ्ज मेरे साथ रहना। प्यासा है, पानी पीने में जल्दी करेगा, तलब है उसे, प्यास है उसे, भूख लग गई, तलब है, खाना खाना है उसे, मर जाएगा अगर नहीं खाया तो, मगर रोजे से है। अब बताओ क्या करेगा, तलब के पीछे भागेगा या तलब का त्याग करेगा? त्याग करेगा ना, त्याग क्यों करेगा, पानी है पी लो, कभी पानी तो पीना है मगर अपनी मर्जी से नहीं पीना। देखो मैं जुमलों का खतीब हूँ, लफ्जों को महसूस किया करो, सारी मजलिस हो जाएगी। पानी तो पीना है, तलब तो है, मगर अपनी मर्जी से नहीं पीऊंगा। अरे भाई कौन पिलाने आ रहा है आपको, आप प्यासो पी लो। उनका नहीं, कोई पिलाने तो नहीं आएगा, लेकिन पिलाने वाला मुझे इजाजत जरूर देगा कि अब तू पी सकता है। तो फिर क्या हुआ, आपने तलब को ख्वाहिश पे नहीं छोड़ा बल्कि तलब को मर्जी परवरदिगार पे छोड़ दिया। तो अब आपको हासिल क्या हो रहा है, तलब आपकी है लेकिन मर्जी मौला हासिल हो रही है। खुदा की कसम, बड़े नेक बख्त वो लोग होते हैं, तलब जिनकी होती है अता खुदा की होती है। बहुत बुलंद लोग होते हैं, वो बहुत बुलंद लोग होते हैं जो ख्वाहिश करते हैं, तलब पैदा हुई, तलब के बाद क्या हुआ, तलाश, और फिर तलाश के बाद क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना अगला जुमला क्या बोलेगा, है ना, कि तलाश के बाद क्या, तो जाहिर सी बात है आपको तलाश थी किसी शय की, आप 100 किलोमीटर चले, आप 50 किलोमीटर चले, आप 2 किलोमीटर चले। कल मैंने मजलिस की मिसाल दी जवानों कि आपके ड्राइवर ने कहा आगे ट्रैफिक है, चूंकि आपको तलाश और तलब दोनों थी तो आपने कहा रास्ता बदल, इरादा नहीं बदलेगा रास्ता बदलेगा, इरादा नहीं बदलेगा, मजलिस जाना है, ये रोड बंद है दूसरे रोड से जाएंगे, ठीक है जाना है, पहुंचना है कैसे भी करके पहुंचना। तो तलाश के बाद जो शय आपके पास आती है उसका नाम है मोहब्बत। मुझे लगता है मुझे ये तो समझाना नहीं पड़ेगा अपने मन में, कोई 85% तो सब जवान बैठे हुए। तलाश के बाद जो शय तुम्हारे हाथ में आती है वो तुम्हारी मोहब्बत है, मोहब्बत। अब फिर कल वाली मिसाल पे चला जाओ तो बात जहन में आ जाएगी। मौलाना साहब ने गांव के बच्चे से कहा कि मुझे लेके चलो, मुझे सिगरेट चाहिए।
तो तलब किस चीज की थी? सिगरेट की। तो तलाश किस चीज की? मिली कौन सी चीज? सिगरेट। वो उस वक्त की उनकी मोहब्बत थी, उस वक्त की उनकी मोहब्बत थी। सिगरेट के लिए वो चले, तलब तलाश तक लेके गई, तलाश मकाम तक लेके गई। ये उनकी मोहब्बत है। कोई माफ करना जवानों, मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह गुटखा उटका कभी खाते हो गए, खाते भी हो गए तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह छोड़ दो, ये सब खाने की चीजें तो नहीं है। फल वल खा लिया करो, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो कौम मजबूत होगी, हिंदुस्तान मजबूत होगा, हमारी शान मजबूत होगी। बस समझते रहो जरा चीजें। तो अब क्या हुआ कि जिसकी जो ख्वाहिश है, जिसकी जो ख्वाहिश, मतलब मैं जवानों से इस सब बात कर रहा हूँ, जवानों से बुजुर्गों से माजरत के साथ, तुम जिस किसी को चाहते हो, जिस किसी को भी चाहते हो, असल में वो चाहत तुम्हारी जात की कीमत है। महसूस कर पा रहे हो मुझे? यह व्याख्या देना पड़ेगा। जिस किसी को भी चाहते हो, वो चाहत तुम्हारी जात की कीमत है। तुम कितने कीमती हो तुम्हारी चाहत से पता चल जाएगा। जो जितना कीमती होता है उसकी चाहत उतनी कीमती होती है। हुर कितना कीमती है ये देखने के लिए हुसैन की पेशानी देख लो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं क्या पढ़ा? तुम्हारी जो भी चाहत है। अच्छा कमाल की बात है, एक है खुदा की तरफ से बंदे की तरफ आने वाला कानून, एक है बंदे की तरफ से खुदा की तरफ जाने वाली समझ। ठीक है, दोनों समझ रहे हैं? बहुत आम ज़बान से बात कर रहा हूं। सो बंदे के लिए मोहब्बत सब कुछ है, तलाश के बाद लफ्ज क्या है? मोहब्बत। तलाश के बाद मोहब्बत, याद रखना, तलाश के बाद मोहब्बत। बंदे के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है नहीं, इसे इस जगह पर ना बिठाओ, ये जगह किसी और शय के लिए मैंने बनाई है। ये नंबर वन कैटेगरी पे जो तुमने मोहब्बत को रख दिया, ये नंबर वन के लायक नहीं है। आप भी परेशान है भाई, भाई ये नंबर वन के लायक नहीं है, तो नंबर वन के लायक है कौन फिर? अल्लाह ने कहा मारिफत हासिल करो। मेरे जवानों बहुत बड़ा जुमला है और तुम्हारे लिए जुमला, मारिफत हासिल करो। मैंने कहा अल्लाह मोहब्बत की जगह मारिफत, जब मोहब्बत हो जाएगी तो मारिफत भी हो जाएगी, कर नहीं फिर धोखा हो जाएगा। मैंने कहा मालिक वो कैसे कहा? पहले मारिफत है, पहले मारिफत हासिल करो, पहले मारिफत हासिल करो। बंदा अगर अच्छा हुआ तो मारिफत के रास्ते में मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। मारिफत के रास्ते पे चलो, तलाश मोहब्बत है। अब बशर ने इस मोहब्बत को नंबर वन पे बिठा दिया। अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, इसे क्रिएट मैंने किया है, बेहतरीन एहसास है, खूबसूरत जज्बा है, नंबर वन पे नहीं है, इसके पहले हमने मारिफत रखा। तो अब वो अपने लिए मोहब्बत नहीं मांगता, अपने लिए मोहब्बत नहीं मांगता, मारिफत मांगता है। दुआ करो कि खुदाया अपनी मारिफत अता करे, ए खुदाया अपने रसूल की मारिफत अता करे, ए खुदाया अपने वक्त के हुज्जत की मारिफत अता करे। जो मर गया अपने इमाम की, क्या है आगे जुमला? आपने तो हजारों मजलिसों में सुन रखा होगा, जो मर गया अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर, मोहब्बत के बगैर नहीं, मारिफत के बगैर, वो जाहिलियत की मौत मरा। यही तो सुन रखा है ना आपने उलमा से, मैं कोई नई बात तो नहीं पढ़ रहा हूं। तो पहले अल्लाह ने किसे रखा? मारिफत को। आपने पहले नंबर पे किसे रख दिया? मोहब्बत को। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ चाहिए, ऐसा ही होता है। जब किसी बाप का जवान बेटा किससे मोहब्बत कर लेता है तो बेचारा मौलवी के पास आके कहता है मौलाना साहब कोई ताबीज लिख दीजिए। क्या हो गया? बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। जवानों ये जुमले होते हैं वालदे के, बच्चे का भला खूबसूरत एहसास से भी किसी का दिमाग खराब हो सकता है। खूबसूरत एहसास से तो सेहत बनती है, पर दिमाग कैसे खराब हो रहा है? अभी मिसाल सुन लीजिएगा, अभी आपकी समझ में आ जाएगा।
वापस कह रहा हूं बुजुर्गों से माजरत के साथ, सिर्फ अपने जवानों को हदिया दे रहा हूं। क्या बात होती है वहां साहब, सुनता नहीं है। अच्छा क्या हो गया? अरे क्या बताएं, अच्छा खासा लड़का था, अच्छा खासा जॉब, अच्छी खासी जिंदगी, अच्छी खासी तरक्की, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा मैंने कहा बताइए तो सही क्या हो गया। अरे क्या बताएं मौलाना, मोहब्बत हो गई उसे। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे उसका दिमाग खराब हो गया, अभी आप कह रहे हैं मोहब्बत हो गई है, ये दोनों चीज तो अलग अलग है, एक कैसे हो सकती है? उनका मौलाना अब तो सुनता भी नहीं है, अब तो हम कहते कुछ और हैं, वो जवाब ही कुछ और देता है। पहले तो हमारी बात सुना करता था, कहता था सब गलत हो सकते हैं, मेरा बाप गलत नहीं हो सकता। और अब पता नहीं क्या हो गया कबला कि मैं जैसे ही बोलता हूं वो कहता है अब्बा आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या जाने, आपकी क्या समझ में है, आप समझते ही क्या है? अब समझाऊं तो कैसे समझाऊं, जब वो खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि आपकी समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे समझाऊं? यकीन जानिए अगर अकलमंद मौलवी होगा तो ताबीज नहीं लिखेगा। ये अकलमंद का जुमला भी इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि आप मत समझिए कि इसकी कमी सिर्फ अवाम में, हमारे डिपार्टमेंट में भी इसकी कमी है, और सरहद के इस पार भी है और उस पार भी है, और जहां जहां आपको कमी दिखे आप समझ जाइए, क्योंकि अली के दरवाजे पे बैठा हुआ आदमी अगर बात करेगा तो सिर्फ अली की करेगा, अगर कहीं और की बात सुनना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि मालूमात आ गई है, अकल नहीं आई है। महसूस कर पा रहे? सो साहब क्या है, बच्चे का दिमाग खराब है, कुछ नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, वो आपकी नहीं सुनता, आप ही उसकी सुन लीजिए। खैर बाप ने साहब सुन ली, बच्चे की शादी हो गई, एक साल के बाद बच्चा फिर वापस अपने अब्बा हुजूर के पास। साल भर के अंदर, ये भी तो मैंने बड़ा लंबा टाइम दे दिया, वैसे तो बड़े शहरों में तो इतना टाइम बड़ी जंग है। अब बेटा बैठा हुआ है, बाप ने कहा मेरे लाल कैसे हो? कब बाबा वो एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोलो। कब वो जो आपने कहा था वो सब सच हो गया? बाप ने रिकॉल किया अपनी बात को, कहा बेटा दोहराने के लिए, मेरे लाल मैंने क्या कहा था? का बाबा आपने कहा था कि बेटा तू चेहरा देख रहा है, मैं नस्ल देख रहा हूं। पंजे वालों, बेटा तू खूबसूरती देख रहा है, मैं गोल देख रहा हूं। तू जमाल देख रहा है, तू हुस्न देख रहा है, मैं परवरिश देख रहा हूं। बेटा तू जिस्म देख रहा है, मैं हड्डी देख रहा हूं। बेटा तू रंग देख रहा है, मैं तासीर देख रहा हूं। बेटा मुझे पता है तेरा इसके साथ कुछ भी भला नहीं हो सकता। अब्बा आपने ठीक कहा था, लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी तजुर्बे दे दिए, जिसे मैं अमीन समझ रहा था वो कायर निकला, जिसे मैं साथी समझ रहा था वो विद्रोही निकला, जिसे मैं दोस्त समझ रहा था वो दुश्मन निकला, जिसे मैं अपना समझ रहा था वो पराया निकला। एक साल के अंदर बेटा भी बाप के नोट की तरफ आ गया ना, जो बाप बोल रहा था वही बेटा बोलने लगा। क्या हुआ ऐसा कि बात बदल गई? अभी तक तो सारा हुस्न, सारा जमाल, सारा कमाल, सारी नेकी, सारी खूबी, सारी अच्छाइयां, दुनिया की सारी सारी चीजें दुनिया की जमा की एक साथ में, अब क्या हुआ सब बदल गया ना, सारा स्टेटमेंट ही बदल गया। अच्छा खासा कांग्रेस में और पूरा का पूरा बीजेपी में आ गया। समझ रहे, महसूस कर पा रहे हैं? अच्छा का अच्छा इधर और पूरा का पूरा उधर, 90 का यू टर्न। गुफ्तगु क्या है? सिर्फ एक गुफ्तगु है, नहीं जो आपने कहा था वो सच है, यही बात है ना, जो आपने कहा था वो सच है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ कि बेटे का स्टेटमेंट बदल गया? एक चीज हुई, एक चीज, और उसे कहते हैं मारिफत। उसे क्या कहते हैं? मारिफत। एक साल के अंदर इसे मारिफत हो गई कि जिसे मोहब्बत समझ रहा था वो मोहब्बत नहीं है, वो धोखा है, धोखा है, धोखा है। एक साल के बाद समझ में आया, बाप के स्टेटमेंट के साथ अपना स्टेटमेंट जोड़ लिया, तैयार बैठा है, जो अब्बा कहेंगे वही करेंगे। क्यों?
इसलिए कि मारिफत हासिल हो गई। यही तारीख इस्लाम में हुआ, जो दो नंबर पे था उसे एक नंबर पे बिठा दिया गया। जैसे इस जवान का घर बर्बाद हो गया, वैसे पूरा का पूरा इस्लाम बर्बाद हो गया। मैंने तो बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे दर खुदा की कसम, खुदा की कसम, मारिफत सबसे बड़ी चीज है। तो मोहब्बत मारिफत के बाद है, पहले पहले मारिफत है। मारिफत हासिल करो, मारिफत हासिल करोगे तो पता चल जाएगा इसमें फिज़ा कौन है, अबूजर कौन है, नदाद कौन है, सलमान कौन है, हुज़ैफा कौन है। मारिफत हासिल होती चली जाएगी, दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। मारिफत हासिल होती चली जाएगी, मेयार बुलंद होते चले जाएंगे। मारिफत हासिल होती चली जाएगी, अंदाज बदलता चला जाएगा। मारिफत हासिल होती चली जाएगी, तरीका बदलने लगेगा, तरीका बदलने लगेगा, मारिफत बढ़ती चली जाएगी। मारिफत के बारे में एक जुमला को अगर इजाजत हो, अच्छा अगर हम तो गोश और मुझे सुन रहे हो, आखिरी बंदे तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, मेरे साथ रहना। मारिफत को देखना है, सलमान मर चुके हैं, सलमान मर चुके हैं। अली खेमे में दाखिल हुए, सलमान ने आंखें खोल दी। अली एक कदम आगे बढ़े, सलमान ने बिस्तर से उठना चाहा। अली ने बाजू पकड़ के कहा, पलट जा मौत की तरफ। इसका मतलब यह है कि मौत में यह ताकत नहीं है कि सलमान को जिंदगी से रोक ले। एक एक जुमले को मौत में ताकत नहीं है कि सलमान को जिंदगी से रोक ले, जिंदगी से रोक ले। ऐसे ही गुजरते हुए अबूजर से, गुजरते हुए अबूजर से किसी ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मिल गया अली की दोस्ती में, क्या मिल गया अली की गुलामी में, क्या मिल गया अली अली कहने में, क्या मिल गया मौलाई होने में। मुस्कुरा के कहा, अगर मैं चाहूं तो आसमान को जमीन पर उतार दूं। अभी कहा ही था कि आसमान नीचे आने लगा, अबूजर ने कहा, मैंने तुझे थोड़ी आने के लिए कहा, मैंने तुझे दिखाने के लिए। मारिफत बुलंद होती चली जाएगी, सलाम का तरीका बदल जाएगा। मारिफत बुलंद होती चली जाएगी, गुफ्तगू का सलीका बदल जाएगा। मारिफत बुलंद होती चली जाएगी, आदमी कद में छोटा हो सकता है, किरदार में छोटा नहीं हो सकता। किरदार में छोटा नहीं होगा, किरदार उसका बुलंद से बाला तक होता चला जाएगा। ये मारिफत है जो उसे मोहब्बत तक पहुंचाती है, और फिर मोहब्बत उसे इश्क के शहर के दरवाजे तक ले जाता है। थके तो नहीं हो? मैं वाकई मैं शर्मिंदा हूं अपने जवानों से जो उस तरफ खड़े हैं, जगह नहीं है बिल्कुल, मुझे पता है। मगर यकीन जानो इस मेंबर की कसम, जो जजा तुम्हें जनाब ज़हरा देगी वो सोच भी नहीं सकते, उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते हो कि तुम्हें शहजादी क्या जजा देगी इस 20 मिनट का, एक घंटे का, डेढ़ घंटे का जो आप अहले बैत के लिए अपना वक्त निकालते हैं। तो मारिफत बुलंद होगी, दरजे बुलंद हो जाएंगे। फिर मारिफत के बाद की जो मोहब्बत होती है ना, मारिफत के बाद की जो मोहब्बत होती है, एक जुमला कहूं महसूस कर पाओगे मुझे, मारिफत के बाद की जो मोहब्बत होती है वो कम से कम तुम्हें कासिम सुलेमानी बना देती है। इतना तो समझोगे ना, एक किसान का बेटा किसी हौजे में नहीं पड़ा था, हौजे में नहीं पड़ा था, अमामा नहीं था सर पे, कोई रसायल में कासिम और किफाया पढ़ के नहीं आया था, दरस खारिज से नहीं आया था, जिम्मेदारी समझता था, मेरी जिम्मेदारी मेरे मुल्क के लिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे मुल्क वालों के लिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे मौला के लिए,
मेरी जिम्मेदारी मेरे मुल्क के रहने वालों के लिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे मुल्क के शियों के लिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे मौला के कब्रों के लिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे मौला के रोज़ों के लिए, रोज़ों के शहरों के लिए। जिम्मेदारी समझता था, एक जिम्मेदार इंसान था, जिम्मेदार इंसान है। मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे मालूम है यहाँ मुझे रिकॉर्ड किया जाता है, मैं जानता हूँ मेरी बात दूसरी जगह भी पहुँचाई जाती है, मगर मैं जो हूँ जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ। क्योंकि शिया कहते ही उसे हैं, दिन रात बदलते हैं, उसका इमाम नहीं बदलता, उसका अकीदा नहीं बदलता, उसका जवाब नहीं बदलता। देखो एक बात बताओ, जिसके हाथ कट गए हो उसकी उंगलियों में तो दम नहीं होता ना, हाथ कट जाए तो फिर उंगलियों में दम नहीं होता, ठीक है ना? प्रैक्टिकल पड़ेगा भाई, प्रैक्टिकल। हाथ कट गए, थोड़ी देर तक उंगलियां गर्म रहेंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी, फिर उनमें ताकत नहीं रहेगी। देखो किरदार की वजाहत कर रहा हूं, एक जिम्मेदार की रानी, किसान का बेटा जिसने अपने मुल्क की हिफाजत की, पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, किसी भी आर्मी के, किसी भी विदेश के आर्मी के स्टाफ के किसी भी फर्ज से मेरा, मेरे इस मजमे का, मुल्क के किसी शिया का कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर किसी का इमाम हुसैन की कब्र की हिफाजत से लेना देना है तो हमारा डायरेक्ट उससे लेना देना। मगर अगर किसी का हुसैन के रोजे की हिफाजत से लेना देना है, किसी का ज़ैनब के रोजे की हिफाजत से लेना देना है, किसी का सामर्रा की हिफाजत से लेना देना है, किसी का नजफ के अजमत की हिफाजत से लेना देना है, तो हमारा डायरेक्ट आत्मा का संबंध है। और हिंदुस्तान आत्माओं के संबंधों को पालने वाला देश है, यहाँ आत्मा के संबंध को बहुत इज्जत दी जाती है, ठीक है ना? तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कटा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ जिसकी पहचान उसकी उंगली की अंगूठी से हो रही है ना, हो रही है ना? मैं कुछ हवा हवाई तो नहीं पढ़ रहा हूं, तुमने ये तो सुन रखा है, देख रखा है टेलीविजन पर, ठीक है? देखो ये हाथ चुके किरदार के साथ जब हाथ हो और किरदार एक मकसद के तहत हो और मकसद मुल्क की जमीन से वफादारी के साथ हो तो असर देखना। ये हाथ बंद तो इराक में हुए थे लेकिन अमेरिका में बैठे हुए वहां के राजा को उसकी सीट से उतार कर फेंक देते। ये हाथ की ताकत है। बाकिरदार जंग लड़ा नहीं करता, बिना लड़े जंग जीत जाया करता। दुरूद पड़े मोहम्मद वा। सलामत रहे। आपके दो किस्म के दोस्त हैं, एक को फोन करके बुलाओगे तो वो कहेगा 2 बज रहा है नहीं निकल सकते, गाड़ी नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, परेशानी है, वो मुश्किलात बताएगा। एक दोस्त को फोन करके बोलेंगे मैं परेशान हूँ, वो ये नहीं कहेगा गाड़ी मिले कि ना मिले, बारिश हो रही हो कि ओले बरस रहे हो कि परेशानी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, दोस्ती है पहुंचना है, जिम्मेदारी है पहुंचना है। क्यों? उसे मारिफत है कि दोस्ती किसे कहते हैं। इसलिए मेरे जवानों दोस्ती भी क्या करो तो मारिफत के साथ क्या करो, बहुत बड़ा नाम है दोस्ती। ये जो नेट पे मिल जाते हैं लोग ना, जिनका तुम्हें पता ही नहीं होता कि जेंडर क्या है,
तो वो तो मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। भाई तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम तो ना बनो, एक दुरूद पढ़ो और आगे बढ़ो। वैसे मैंने ये यहाँ के लिए नहीं कहा था, जो हमारे जवान चैटिंग में मुलविस होते हैं, हैं? इतना तो कुरान की आयतों को देख ले तो बंदा वली बन जाए। माशाल्लाह, आजकल हम सारे जितने अपने मोबाइल के वफादार हैं उतने किसी के हो सकते हैं भला? आप बताइए, सोच के बताइए। नहीं ना, तो मारिफत सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे जवानों, मारिफत पहले, मोहब्बत बाद में। फिर ये मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत हमें एक शहर की तरफ लेके जाती है, एक शहर की तरफ। ये कौन सा शहर है? ये इश्क का शहर है, इश्क का। अच्छा, फिर ये मोहब्बत से कैसी बड़ी, कितनी बड़ी, कैसी? कुछ तो हिसाब किताब होगा। ये शहर कितने किलोमीटर दूर? तो इसका और इश्का कोई लेना देना नहीं है, इसका और इश्का कोई लेना देना नहीं। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अगर ये चांदी है तो वो सोना है। दोनों के पहाड़ अलग, दोनों के मादन अलग, दोनों की खदान अलग, दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत की जगह नफरत ले सकती है, मगर इश्क हो जाए तो फिर बस इश्क रहता है, ये तब्दील नहीं हुआ करता है। That cannot be changed. अगर एक इश्क वजूद में आ गया तो ये तय है कि वो बदल नहीं सकता। अब एक बहुत हसास जुमला है, अगर महसूस कर पाए, खुदा की कसम, मोहब्बत मुमकिन है। मोहब्बत मुमकिन है कि बादशाह को किसी गुलाम से हो जाए, मगर इश्क जब भी होता है अपने से बदन से होता है। और ये जिस्म का रिश्ता नहीं, ये रूह का रिश्ता होता है। तो ये जब भी होता है उसी दुनिया में, उसी आलम मलकूती और लाहूती की तरफ लेके जाता है, बुलंदी की तरफ लेके जाता है, बुलंदी की तरफ। अब मेरे साथ रहना ताकि मैं तुम्हें मोहब्बत और इश्क के दरमियान थोड़ी देर रोक सकूं। मारिफत आ गई, अब मोहब्बत हुई। तो सबसे पहली चीज मोहब्बत क्या सिखाती है? कुर्बानी। ये मारिफत के बाद की मोहब्बत है जो आपको क्या सिखाती है? कुर्बानी। मारिफत के बगैर की मोहब्बत आपको क्या सिखाती है? हिसाब किताब। मेरा इतना गया, उनका कितना आ रहा। हमारे अब्बा ने इतना दिया, आपके अब्बा ने क्या दिया? हमारी माँ ने ये किया, आपकी माँ ने क्या किया? हमारी बहन ने ये किया, आपकी बहन ने क्या किया? ये बिना मारिफत की मोहब्बतें हैं। ये बाजार में बहुत सारे पीतल सोना कह के अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी आंखों में रोशनी फर्शी अजा से आई है मेरे जवानों, कभी अपनी आंखों के नूर को हाथ से मत जाने देना, और ना दुनिया तुम्हें अंधा कर दे। अपनी जात और अपने वजूद को बचा के रखना, कल इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ जुमलेबाजियां नहीं होती, हमारे यहाँ यकीन से बात होती है, हमारे यहाँ इरफान से बात होती है, हमारे यहाँ मारिफत से बात होती है, हमारे यहाँ लबों के हिलने और जुमलों के निकलने को नियत नहीं कहते। अरे बहुत अहम जुमला कहा है खुदा की कसम, और बहुत बड़े सवाल को और एक बहुत बड़े मसले को भी हल कर रहा हूँ। काश मेरा साथ दे दो और समझ लो तो मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ ली तुम्हारे दरमियान। देखो, मुसलमानों में, हमारे बरादरान अहले सुन्नत में, जब नियत होती है या जब कोई काम किया जाता है या जब कुछ कहा जाता है तो उस कहे को काउंट किया जाता है कि हाँ ये बोला गया या ये नहीं बोला गया। शियों में क्या होता है? शियों में बोले जाने को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। मसलन एक मसला बयान कर दूं। मसलन एक शिया जवान ये कह रहा है कि मैं हमाम गया नहाने के लिए, क़िबला मैंने गुस्ल किया और मुझे याद नहीं है कि मैंने नियत लफ्जों के साथ दोहराई के नहीं। महसूस कर पा रहे आप? तो आलिम सवाल करेगा कि बेटे तुम जब गए थे हमाम नहाने के लिए तो तुम्हारी नियत क्या थी?
नियत क्या थी तुम्हारी? तो वो कहेगा मैं गुस्ल के लिए गया था। तो तुम गुस्ल के लिए गए, तुम गुस्ल करके आए हो, तुम्हारा गुस्ल हो गया। पूछ लेना, मैं कोई बात बिना जिम्मेदारी के नहीं कहता। 20 साल से मुझे सुन रहे हो, तुम्हें मेरी आदत है, समझते हो, माशाल्लाह जवान हो गए। जो बच्चे 10 साल के आते थे वो 20 साल के। पूरी तवज्जो, शियत में लफ्जों को दोहराना इम्पोर्टेंट नहीं है, शियत में किरदार देखा जाता है, किरदार देखा जाता है। अब मैं तुम्हें 1400 बरस पहले लिखी गई तारीख में एक किरदार जिसका नाम अबू तालिब है वहां लेके चलता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती जुमला बोलने जा रहा हूं, आखिरी मजमे के आखिरी 8 साल के बच्चे तक तवज्जो चाहता हूं। ईमान अबू तालिब पे बोलने जा रहा हूं। हमारे यहां लफ्जों का बाहर निकलना इंपॉर्टेंट नहीं, किरदार होता है। किरदार, किरदार, किरदार। हम लफ्ज नहीं देखते, हमारे मुसलमान भाई लफ्ज देखते रहे और ईमान लिखते रहे। हमने ये देखा कि बिस्तर पर आधी रात के बाद मोहम्मद को उठा के अली को सुला के, जब कोई पूछता अली को क्यों सुलाया, तो फरमाया अगर दुश्मन ने पहली पैर देख लिया हो और सुबह को हमला करे तो मेरा बेटा कट जाए, मोहम्मद बच जाए। किरदार क्या है कि पूरी दुनिया, तो मुझे याद आ गया इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद मैंने पंजे में 3rd-4th साल ये पढ़ा था। मुझे नहीं पता आप में से किसके जहन में बचा हो ना हो। देखिए अबू तालिब ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद किया। अबू तालिब ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद किया। सफर में मोहम्मद, हजर में मोहम्मद, दिन में मोहम्मद, रात में मोहम्मद, घर में मोहम्मद, घर के बाहर मोहम्मद, सफर तिजारत में मोहम्मद, मक्के के अंदर मोहम्मद, मक्के के बाहर काबे के करीब मोहम्मद, हरम के बाहर मोहम्मद, हर मकाम पे सिर्फ मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद, अबू तालिब की जबान पे सिर्फ मोहम्मद। ये वाक्य तो मैंने आपको बता दिया कि हमला हो जाए तो बेटा कट जाए और मेरा भतीजा बच जाए। यही तो है ना, थॉट समझ रहे हैं ना, सोच समझ रहे हैं ना, फिक्र समझ रहे हैं ना जनाब अबू तालिब की। रसूल बच जाए, रसूल बच जाए, रसूल बच जाए, रसूल बच जाए। तो अली की जिंदगी को अगर नजदीक से देखना है तो ऐसे देखो कि अबू तालिब की जबान पे सिर्फ मोहम्मद, अबू तालिब की जबान पे सिर्फ मोहम्मद, अबू तालिब की जबान पे सिर्फ मोहम्मद। अल्लाह को ये अंदाज इतना पसंद आया, अल्लाह को ये अंदाज इतना पसंद आया, अबू तालिब का मोहम्मद 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 सोचना और कहना इतना पसंद आया कि उसने भी आवाज दी मोहम्मद मैं भी, मोहम्मद मैं भी। फिर पूरी तवज्जो, एक एक मजमे की, एक एक आदमी की, एक एक फर्द की पूरी तवज्जो। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैंने 3rd-4th साल ये जुमला पढ़ा था, फिर दोबारा 17-18 साल के बाद दोहरा रहा हूँ। पूरी तवज्जो इस मजमे की कि अगर अबू तालिब की जिंदगी को देखे तो अबू तालिब की जबान पर सिर्फ एक जुमला है, मोहम्मद 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 मोहम्मद, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह को यह अंदाज इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब मैं भी मोहम्मद की नबूवत को उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक 7,00,000 में अली अली न करवा लो। नहीं लगते
ट्रेन करने से नहीं लगती, ये नारे अंदर से निकला करते हैं। ये माँ की तहारते हैं जो जब ज़बान पे आते हैं तो कायनात हैदरी की सदा सुनती है। बस मेरे बच्चों मौला तुम्हें सलामत रखे, बस जितना तुम अपने मौला को चाहते हो मैं तुम्हें इस मिंबर की कसम खा के कहता हूँ तुमसे हजार गुना ज्यादा तुम्हें मौला चाहता। तुम्हारा मौला नहीं चाहता कि तुम्हारे कदम हराम की तरफ जाएं, तुम्हारा मौला नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ हराम की तरफ जाएं, तुम्हारा मौला तुम्हारी एक एक चीज गिनता है, एक एक चीज। व्हाटएवर यू डू फॉर अहलुल बैत, व्हाटएवर, जो भी आप कोशिश करते हैं, जो भी आप करते हैं, हसीन भाई अजीब वाकया है, जो भी आप कोशिश करते हैं वो मेरा मौला देख रहा होता है, काउंट कर रहा होता है, सुन रहा होता है, आपकी तमाम तर एहसासात को महसूस कर रहा होता है। वो है ना एक शख्स था जो मजलिस में आके चाय पिलाया करता था, बड़ा मशहूर वाक है, चाय पिलाता था मजलिस में आके, मर गया, इंतकाल हो गया, कब्र की तारीख, मुश्किलात, हालत कैसी होगी एक आदमी की दोबारा उठने में आप समझ सकते हैं, हैं? परेशान था, नागा उसने देखा कब्र में एक नूर आया है और वो नूर महवे कलाम है, परेशान है ये कौन है जो इस मुसीबत के वक्त में मेरी मदद करने इस जगह पर आया है, जिसके आते ही मुझे लग रहा है मैं सुकून के इलाके में आ गया, ठीक है ना, सुकून के इलाके में आ गया। बस नूर ने इशारा किया और दाहिनी तरफ से एक हवा आनी शुरू हो गई, अच्छी हवा से फर्क महसूस की और कहता है आप कौन है, कहा तू मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा इमाम हुसैन। तो फर्क के कहता है मौला आप मेरी कब्र में, मैंने ऐसी कोई नेकी नहीं की थी जिसके बदले में आप मेरी कब्र में आए। पता है मौला क्या कहते हैं, मौला कहते हैं तू मेरे चाहने वालों को चाय से जो खिदमत किया करता था, चाय से, भैया सुल्तान, चाय से जो खिदमत किया करता था मेरे मौला को, चाय जो मैं पिलाया करता था, चाय की इतनी वैल्यू, चाय को काउंट किया जा रहा है। मौला ने मुस्कुरा के कहा कि तूने 12,423 चाय पिलाई है। मौला आपने मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब दे दिया, अभी मैंने क्या जुमला आपसे कहा था, व्हाटएवर यू डू फॉर अहलुल बैत दे काउंट, आप करके भूल सकते हो वो नहीं भूल सकते, आप मिट्टी के बने हो वो नूर के बने, आप अपनी माँ की औलाद हो वो फातिमा की औलाद। सुने वाला इमाम का, इमाम फरमाते हैं जो तुमने इतनी खिदमत की है मेरे आजादारों की, ये तो अभी मैंने थोड़ी सी मदद की है, मेरी मदद और अपने अमल का बदला तो मैशर नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों तुम्हारे जिंदगी के दो हिस्से, एक का नाम अकीदा है और एक का नाम अमल है। जहां तुम्हें लगे तुम्हारा अकीदा कमजोर हो रहा है अकीदे को मजबूत करो, जहां तुम्हें लगे तुम्हारा अमल कमजोर हो रहा है अमल को मजबूत करो, क्योंकि अहले बैत को अकीदा भी चाहिए और अमल भी चाहिए। ऐसे ही करबला में आपको अकीदा भी मिलेगा और अमल भी मिलेगा। अकीदा ये है कि हुसैन मेरा इमाम है और अमल ये है कि हुसैन के पहले जान देना है, समझ रहे हैं, अमल देख रहे हैं। वो क्या कहा, मेरे मौला से मेरे गुफ्तगू है, खुद क्या कह रहा है, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो फिर मुझे जान देने की इजाजत दे दी। देखें कैसे बयान करूँ आपके सामने, हम बच्चे में जो मलि से पढ़ते थे जनरली ये होता था कि यही कहीं कुर्सी पर मरहूम मामले का हुसैन हुआ करते और मैं उनसे रात को या एक दिन पहले या दो दिन पहले पूछता था कि हमारे बच्चे में आज किस रात को, आज मैं वैसे भी अली को देख रहा हूँ तो मुझे आपने भाई की याद ज़्यादा आ रही, इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछा करता था कि आमिर भाई पंजे में कौन से मसाइब पढ़े जाते हैं आज की रात, और वो मुझे बताते थे तो हमारे यहाँ चार रात तक सारे मसाइब हो जाते हैं, मेरे ख्याल से पाँचवीं जगह पहले पर कौन सा होता है, ताबूत होता है,
तो मसायब ज्यादा हैं और तारीखें कम हैं, ये भी एक मजलूमियत है। हम कहां 72 को रो पाते हैं, कहां रो पाते? कौन सा ऐसा मुहर्रम है जिसमें हमने हर एक शहीद का जिक्र किया? दो ही जुमले सही, हम तो नाम भी नहीं ले पा रहे, इतने शहीद है। उनमें एक हुए, आज मैं दो तीन मसायब के चार चार जुमले पढ़ के खत्म करूंगा कि कल जहाँ गए लेकर के मसायब होंगे और कल से फिर बड़ी रातें हैं। आप जानते हैं कि कल से तकरीर का एक अंदाज भी थोड़ा बदलेगा, आपने मसायब मौला सुने। अब मेरी जिम्मेदारियों पे जो कुछ चीज़ें हैं, मेरे कंधों पे जो भी हैं, वो मैं जवानों से इंशाल्लाह शेयर करूँगा। गुर है, उनके साथ लश्कर में बहुत सारे लोग हैं। जब मुलाकात हुई है मौला से और जब कहा है कि बस इनके सवारों को और सवारों के साथ उनकी घोड़ों को सबको पानी पिला दो, नाको को सबको पानी पिला, एक शख्स सुर में कहता है कि मैं ऊंचाई पर बैठा था, अपनी सवारी पर बैठा और ये सोच रहा था कि मुझे प्यास बहुत लगी और जब तक मेरा नंबर आएगा और पानी मुझ तक आएगा तब तक मेरी जान चली जाए। उधर सारे पानी पिला रहे थे, हुसैन अपना कुजा लेकर मुश्किल और उस शख्स के पास आया, उसे कहा नीचे उतर। जब वो नीचे आया पानी में, यानी कूजे का दहाना, मुश्किले का दहाना खोल के और पानी गिराना शुरू किया, उसने हाथ पर आया तो उसके हाथ कांप रहे, वो पी रहा था तो उसके लग कांप रहे। पता है उसे ने क्या कहा? कहा तू घबरा के मत पी, तू आराम से पी, मेरे पास इतना पानी है कि तेरे पूरी प्यास हो जाए। ये हुसैन है, ये हुसैन, ये हुसैन है जो इस तरह से प्यास बुझा रहा है। और वो यजीदी हैं जिन्होंने पानी बंद कर दिया। सुबह का वक्त आया, उन्होंने वजू किया, जैसे ही पानी चुल्लू में लिया पसे कुछ दूर से एक आवाज आई, बोल मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़। ध्यान खेमों की तरफ गया, सुबह का वक्त था, बच्चे सकीना के गिर जमा थे और एक ही आवाज और इस्तगासा की अल्लाह हाय प्यास मारे डाल, हाय प्यास मारे डाल। आवाज सुना, खड़ा हो गया, चेहरे का रंग भाई ने देखा, महसूस करने लगा कि वो क्या चाहते हैं। आगे की तरफ बढ़े, भाई कहता है कहाँ जा रहे हो? आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। गुलाम साथ चल रहा, बेटे का नाम बकीर है, वो कहता है कि बाबा हुसैन का भी तो एक बेटा है ना। यानी मकसद ये था कि खुद हुसैन का कुर्बान हो जाए और मुझे हुसैन के बेटे का कुर्बान कर दे। मुझे पता है आप कौन तकलीफ में बैठे हो, मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, मुझे पता है जहमत उठाते हो, मगर तुम तकलीफ में भी होते, इतनी तकलीफ कभी नहीं हो सकती जितना सकीना को शामिल गरीबों में हो। जज़ाकुमुल्लाह, सलामत रखे तुम्हारी मातम किया भाइयों को, इतनी तकलीफ तुम्हें कभी नहीं हो सकती जो सैयद सज्जाद को करबला में हुई थी। जज़ाकुमुल्लाह, करबला में कितनी तकलीफ थी, तारीख में मैंने भी पढ़ा है मगर मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनसे सुना है ताकि इस कॉल के दोहराने का सवाब भी उन्हें मिले। वो कहते थे करबला, करबला सारी दुनिया में कयामत आएगी मगर करबला में कयामत नहीं आएगी। मरहूम मफूर फरमाया करते थे क्योंकि अल्लाह की अदालत के खिलाफ है कि वो किसी एक जमीन पे दो बार कयामत हो। अरे लैला देख रही थी, अकबर मान दिए गए, इससे बढ़कर कयामत क्या हो सकती।
कोई गम न दे, वो लहू अपने हाथों को बांध के, वो लहू एक मुजरिम की हैसियत से, वो लहू एक गुनहगार की हैसियत से हुसैन की बारगाह में आ रहे हैं। जवानों, ये तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी जिंदगी के सारे उसूल को देखना, खुदा ना करे तुमसे ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ होगा जो मासूम के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जो कुरान के खिलाफ हो। इसलिए मौला की बारगाह में हाथ जोड़ के कहना, मौला जिंदगी दे मगर अपनी रिजायत के साथ दे, जिंदगी दे मगर अपनी खुशी के साथ दे। जज़ाकुमुल्लाह। बोलो, हुसैन ने आने वाले मेहमान को उठाया, वो कदमों में गिर रहा था, हुसैन ने उठाया, सीने से लगा के काहूर तेरी जगह मेरे सीने के पास है, मेरे कदमों के पास नहीं। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तू गवाह है, जब तू मेरे पास आया था हमने तेरे जानवरों को भी पानी पिलाया था, खेमे में मेरा 6 महीने का बच्चा सो रहा, और मुझे कसम है खेमे में घूट पानी नहीं। पहुंचे, जैसे ही पहुंचे देखा हुसैन बैठे, ए मेरे मौला तू क्यों आया, मेरे मौला तूने सहमत क्यों की, तुम्हें नहीं मालूम जवान बेटे का दर्द बाप से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे मौला हुसैन हुर के बेटे का दर्द बर्दाश्त नहीं, मगर जब तुम्हारा अली अकबर घोड़े से जमीन पे आएगा मौला तब कौन आएगा। कल हो सके, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से 90% लोगों ने सियाह लिबास पहना है, हो सके तो कल अली अकबर के ताबूत को सब सियाह लिबास हो जाए, ताकि लैला को ये कह के पुस्सा दे सको कि कमी हो जाए तो माफ करना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई नाम ना दे सिवाय तुम्हें सैयद शोदा के, करबला की जमीन सुर से घोड़े के टापों से हिली जा रही है, जो भी आ रहा है वो हुसैन का दुश्मन है, कोई हुसैन का दोस्त नहीं। ज़ैनब उस मंजिल पर अपने भाई से सवाल करती है, भैया क्या कोई तरकीब नहीं, आपने उलमा से सुना होगा बहन भाई के दरमियान क्या बात हुई। लेकिन शहर में एक मेहमान आया, ये करबला थी, करबला में हबीब आए हैं, कैसी हालत है, सभी बैठे हैं, मोहम्मद कासिम अली अकबर सारे के सारे बैठे हैं, सबका तारुफ हुआ और सबके तारुफ के बाद हुसैन फरमाते हैं, वो मेरा 6 महीने का शिशुमा जो खैमे के अंदर झूले में लेटा हुआ है, और उसका भी नाम है, और वो भी शहीद हो, हबीब उसका भी नाम है, हबीब वो भी शहीद हो जाएगा, बड़ी अजीब मंजिल है, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। अहले बैत के पास मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए कोई सामान नहीं है, पानी के तो घूंट नहीं है, एक बीवी ने अपनी चादर संभाली, फिजा से कहा जरा जाके माजा ऐसे कहो ज़ैनब आ रही है, फिजा ने हबीब और हुसैन के दरमियान बताया कि ज़ैनब आ रही है, दरवाजे पे खड़े होकर फरमा दिए भैया उस वक्त करबला आए हो जब अहले बैत के घर में खिलाने के लिए, मगर भैया एक वादा करती हूँ, पुकारूंगी। जज़ाकुमुल्लाह।
शहजादियां गुलामों को सलाम कहें, शहजादियां गुलामों को सलाम कहें। मैदान में आए, चारों तरफ से तीर और तबर की बारिश हो रही। बोलो और जमीन, बोलो हबीब जमीन पे आए, बोलो हुसैन अपने दोस्त हबीब के पास पहुंचे। तारीख के जुमले हैं आखिरी बातें अपने दोस्त से यानी हबीब से की। हबीब की रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। आपको मालूम है खुतबा पढ़ा करते हैं बुजुर्ग, खुतबा का ये कहना है जब चादरें छिनने लगी, जैनब की बुलंदी में आके कहती, भैया हबीब